नीचे पूरा पत्थर है, पौधे ये नहीं चल पा रहे, पूरा वो चट्टान आ गए, ये सब पत्थर ही आ गए, लेकिन फिर भी पर पौधा लगा था वो अभी वापस बारिश में सही हो जाता है, बाद वाले में ऐसा खराब हो जाता है, वापस फूटता है। अच्छा। ये यहाँ पर पूरा नीचे चट्टान आ गया ना, ये चट्टान तो वो जड़े जाने के लिए जगह नहीं बची, पूरा इस टाइप का पत्थर हो गया वो। इसमें भी दो साल से यूज कर रहे हैं, चल रहा है पर सर वो हमारे हिसाब से कर रहे हैं, सिर्फ साइकिल चार्जर और पैसे अपना दो ही चला रहे हैं, हाथ दो ही गाड़ी दो ही गियर चला रहे हैं, अभी दो ही चल रहा है, इसके बाद में पूरा नहीं स्विच, पूरा शीटल नहीं है पालो उसमें, इन्होंने ऐसे ये वेदी का कुछ भी नहीं डाला है, अभी डाला है, अभी डाला है, ये भी अभी मंगवाया था मैंने, आपका पानी थोड़ा उनसे कम है, पानी कम है हमारे पास, पानी कम है उनके पास पानी ज्यादा है, ज्यादा है सर तो ज्यादा ही चलेगा, वो तो स्वाभाविक है, अब हमारे से पूर्ति नहीं हो रही है ना, कि हमारा कम पानी है तो कम हो रहा है, हमारे घर में अगर शुगर नहीं, हमारे घर में अगर शुगर फैक्ट्री है तो हमें तो 24 घंटे शुगर ही खाना चाहिए नहीं होता है वो इसमें एक सबसे मेन चीज है यहाँ की थिनी मिठास, चिकना, ये जो ऊंचा नीचा दिख रहा है ये मार्केट में कम चलता है, अपने को पूरा इसका चिकना चाहिए, इसमें साइड चार्जर डाल के देखना, साइड चार्जर का काम ही हुई है, बस ये क्वालिटी यहाँ खराब हो रही है, साइड भी बन गई सब हो गया, क्वालिटी चार्जर डालना दो, हाँ दो चीज आ रही, एक तो जब बारी पर स्पॉट आते हैं, ये क्या हो रहा है, ये आपका नाइट्रोजन बोल रहा हूँ मैं, और नाइट्रोजन की वजह से ये सब टीला टूला हो रहा है, आप सही तरीके से क्वालिटी चार्जर उसके साथ में हेल्थ चार्जर और अपना साइड चार्जर यूज करोगे तो ये उसका अलग चित्र हो जाएगा, देखो इसमें से पानी उड़ा, देखो पानी है, पानी हाँ ये देखे, ये मेरा पूरा हाथ क्या हो गया, गीला हो गया, मतलब इसमें घर नहीं है, क्या है ज्यादा पानी है, ये देखिए मैं ऐसे दाड़ता हूँ तो पानी उड़ता है, ये देखो ये पूरा पानी पानी भरा है, तो मैं जो जब से आया हूँ तब से यही बात बोल रहा हूँ, ज्यादा हो रहा है पानी पानी पानी, मतलब ये पानी ज्यादा होने की डिस्टेंस वो तो गानी गाना याद आ गया, देखो सर देखिए देखो तरबूज जैसा निकल गया, फिर तरबूज खाने में क्या मतलब, तरबूज समझ के खा लेते हैं सर, तो ये जो केमिकल है पूरा केमिकल बंद करके अगर आप इसमें सिर्फ अपना टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो आपको इसको जबरदस्त ताकत मिलेगी, जो देखिए मैं उसमें हाथ डालता हूँ तो सिर्फ पानी उड़ता है, पानी उड़ता है मतलब ये जो पानी है हम पानी के लिए खाते है क्या, नहीं हम जो अमृत है वो किस लिए खाते हैं, फाइबर के लिए, फाइबर के लिए, वो फाइबर है नहीं पानी है सिर्फ उसके फाइबर के लिए खाते, तो कैसे वो खुद कैसे जिंदा रहेगा, अगर वो खराब बन जाएगा तो वो खुद सड़ जाएगा, वो खाने नहीं देगा खुद को, ये नेचर है, प्रकृति खुद को रोकती है वो खाने से, गंदा चीजें खाने से वो खुद को सड़ा देती है, मुझे क्या लगता है कि इसको ये एक ऐसा होना चाहिए जब आपका फल बड़ा हो जाए ना तब आप उसको बैग डालना चाहिए, अच्छा छोटे फल को बैग डालना ही नहीं चाहिए, ये पौधे को अगर 2 किलो एक बार डाल दिए आप तो आपका ये फल डाला है बहुत हमने, इतना खतरनाक हो जाएगा ना, ये देखिए ये फल ये कितना जबरदस्त सा सेटिंग होगा, लेकिन एक चीज आपको देखना है कि इसको हरा होना चाहिए, वो कैसा हो गया, वाइट वाइट हो रहा है, आपके बगीचे में अभी देखा हमने कैसा है, हरा है पूरा एकदम, और वो हरा है तो बड़ा होने के बाद भी हरा ही रहेगा, ये अभी से सफेद हो गया, सफेद हो रहा है, सफेद हो रहा है मतलब इसमें केमिकल ज्यादा हो रहा है, ये फल लग गए पत्ते छोटे हो गए ना, तो इसकी ताकत इसने क्या कर ली, ऐसा नहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ तो कहर हो गया, देखिए यहाँ तो इतनी खिचड़ी की रखी नहीं कुछ, आपने केमिकल को बंद कर दिया ना, हाँ, तो ये देखो आपका छोटा फल है फिर भी उसके ऊपर सनबर्निंग आ रहा है, देखो जी जी जरूरत नहीं ना इसके ऊपर, ये प्योर हरा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए फल जब हरा होता है ना वो खुद भी खाना बनाता है, खुद खुद के लिए खुद खाना बनाता है, ये जो आपका लाइन है हाँ, उसको आप पानी देते नहीं क्या, पपीता को देते ना सर, देती है ना हाँ। फिर उसको देखो कैसे मरा मरा सा लग रहा है, क्यों क्यों लग रहा है मरा मरा सा क्यों लग रहा है, क्योंकि फर्टिगेशन ओवर फर्टिगेट हो रहा है हाँ। ज्यादा फर्टिगेशन ज्यादा हो रहा है सर, इसमें से पर प्लांट
ये प्लांट है और इसमें से कम 70 किलो माल निकाल लिया है। फिर भी यहाँ पे दो ले रहे ना जी, तो आप इसको चार भी ले सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, जो डोज आप 1 किलो का डाल रहे हैं उसको 2 किलो का बढ़ा दो उसको। चौथा प्लस है बिल्कुल बिल्कुल इस साल का। हाँ चौथा प्लस, ये चौथा प्लस साल मतलब चौथा बाहर बारिश रेगुलर चल रहा है। बारिश का हो गया, सितंबर वाला हो गया, वो पौधे डबल है इससे, फिर भी उससे डबल माल दे रहा है। डबल माल दिया, ये चौथा डबल दिया। ये बारिश वाला हो गया, फिर सितंबर वाला हो गया, एक अभी जस्ट अभी 8 दिन पहले पूरा हार्वेस्टिंग हो गया खेत का, और ये वापस चालू हो जाएगा अपना मई में। इन जनरली आप कितने बार लेते हैं हर साल? दो बार ही, दो प्लस वो 3 बार हो गए। हाँ, और यूं समझे तो बारिश का भी कुछ लिया था आधा। वो अपना जो है वो नासिक वाला, उसका कितना पौधे है? 2 एकड़ है, 1400 ना, 2 एकड़ पूरा क्षेत्र है। हाँ, और 40 टन निकल, 40 टन निकल। कितना? 2 साल के पौधे, 40 टन। और माल ऐसा निकलता है पूरा पनोनी किया ना अपने बिजनेस को? नहीं। हाँ, तो उन्होंने पहले साल में उन्होंने, अभी उनका जो पौधे ना आज 20 महीने के, और पिछले साल में उन्होंने माल लिया था, तो अभी उनका वो बोल रहे थे पहले 14 टन निकाला, 14 टन पहले बाहर में, और ये बाहर में 42 टन इतना माल निकला। और आपको सबसे मजे की बात बताऊं, उनको किसी ने पूछा, कोई 80 एकड़ वाला कोई अमरुद का किसान आया था वहाँ उनको मिलने के लिए, वो पिता पुत्र दो को है, तो वो रहते कहाँ पे वो भी बताऊँ मैं, नामपुर है ना सटाना, नासिक में, हाँ वहाँ पे रहते। तो उन्होंने उनको पूछा वो 80 एकड़ वाले ने कि यार तुम्हारे बगीचे तो जबरदस्त है, पत्ते ऐसे वैसे आपके इधर देखो पत्ते छोटे बड़े दिख रहे हैं, उनके सब पत्ते ऐसे बड़े बड़े। तो उन्होंने बोला आपका बगीचा तो बहुत सही है, लेकिन आप मुझे एक बात बताना, आप मिली बग को कंट्रोल कैसे करते हैं? जो आपका सवाल है ना, मिली बग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वही था, नहीं वही उसको पूछा हुआ। तो जब सवाल पूछा तो वो उसके आंखें बड़े हो गई, बोला मिली बग वो क्या होता है? वो क्या बोला, वो क्या होता है, वो आता है क्या? मतलब वो सामने वाला जो 80 एकड़ वाला था वो परेशानी में आ गया कि इसको कुछ समझता नहीं, ऐसे कहूँ कि ये जानबूझ के नाटक कर रहा है ऐसा बोलूं, तो सच में उसके बगीचे में कोई मिली बगी नहीं, देखा ही नहीं, देखा ही नहीं पहले से, क्योंकि वो पूरा वैदिक इस्तेमाल कर। ये मिली बग 2 साल से हमारे इधर एंट्री हुआ है, 2 साल पहले हम मिली बग को 2-3 साल पहले नहीं था कहीं पर भी, दो साल जैसे केमिकल में इसमें बढ़ता जा रहा है खाद का शेड्यूल। अभी आप सवाल भी पूछ रहे हैं जवाब भी दे रहे हैं। ये अगर पौधे में आपको 40 टन मिल गया तो 20 टन का आपका पैसा कितना होता है एज एन एवरेज? फिर भी कितना होता है होगा? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए हो गया ना, बराबर है 50 के भाव से 10 लाख रुपए हो गए, 40 टन का कितना हो जाएगा? 20 लाख, बराबर है ना। तो ऊपर जो 10 लाख आने वाले उसमें से 2 लाख खर्च करो ना इसको। आप क्या करो, खर्च भी नहीं सर, लिमिट में करो। वो 2 लाख खर्च करेंगे ना, जैसे 50 बिक रहा है वो 2 लाख खर्च करने में वो 70 बिकेगा। ये पिंक का जिसमें जो पर चला था ना, ये मतलब मार्केट में 10 रुपए ज्यादा ही चला हमेशा, अपना वाला, ये अपना वाला, इस प्लांट वाला जहाँ से अपन ने डाल रखा था इसको पिंक में, तो उसकी क्वालिटी और उसका बना आधे में भी बना उसका, फिर भी 10 रुपए ज्यादा टाइट बिका। जिस दिन आप आम अमरुद खाना शुरू करेंगे, आपके घर वाले खाएंगे, आपके रिश्तेदार खाएंगे, तब समझना आप सही अमरुद बना रहे हो, तब तक आप सही नहीं बना, कितना भी पैसा बना कोई फर्क नहीं। ऐसा हाथ में लेने के बाद ऐसा लालच होना चाहिए, अरे इसको खाए, क्या होना चाहिए लालच? अगर आपको खाने का लालच नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए आपकी बॉडी उसको रिफ्यूज कर। इधर फ्री में फिर भी नहीं खा रहे और लोगों ने पैसा दे के खा रहे, ये हमारा सपना क्यों होना चाहिए? पूरा देखिए आप इधर से पूरा लेवल दिख रहा है, आप
इधर जाओ आजू बाजू में, और एक लेवल का मुझे ऐसा नया बगीचा दिखा, एक लेवल का। एक लेवल में नहीं मिलेगा। हाँ छोटा बड़ा छोटा बड़ा, ये भी एक रिजल्ट है ना। हाँ इसका तना देखो कितना बढ़िया। हाँ अच्छा है। यहाँ पे आप देखिए इसके फुटास कितने जबरदस्त, ऐसा ग्रोथ हो गया इसका, जबरदस्त फैला हुआ इसका। हाँ कितना प्रोडक्शन मिला सर अपने को इस बार, कितने दिन का हो गया? 40 टन माल निकला सर। अच्छा अच्छा कितना मतलब कितने साल का पौधा हो गया अपना? अभी 12 फरवरी में हुआ 2 साल का। 2 साल का हुआ है जी 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 बहुत अच्छा। फल की साइज क्या बनी थी सर अपनी? अच्छा अच्छा मतलब आपने क्वालिटी उसकी में कहाँ कहाँ का मार्केट किया आपने? पूरा पिंक का माल कहाँ बेचा आपने? आपने तीन जगह पर मार्केटिंग हुआ सर, दिल्ली मार्केट हुआ जी, सूरत मार्केट हुआ, एक बनारस मार्केट हुआ। अच्छा अच्छा जी 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 रेट क्या चला सर इस बार? स्टार्ट हुआ था सर 70 रुपये से जी, एंड हुआ 50 रुपये के आसपास। अच्छा अच्छा चलो बहुत अच्छा है। की क्वालिटी कैसी क्या बनी प्योर कलर उसका आ गया गोल्डन? गोल्डन कलर वगैरह सब आ गया, ऊपर की थिकनेस भी बहुत अच्छी बनी सर, ग्रेनरी बोलते हैं ना आपको जी। हाँ। जी चमक वगैरह बहुत अच्छी मिली। मिलीबग के लिए क्या मतलब आपके प्लांट में कभी भी दिखा? कभी मिलीबग ही नहीं दिखा सर। अच्छा अच्छा हम तो मिलीबग से परेशान हो रहे इधर एमपी में सर बहुत ज्यादा। अपना जो शेड्यूल था ना वो कंटिन्यू चल रहा था और उसमें कुछ गैप भी नहीं गिरा जी। सर अपने को कृषि अमृत कितना डाला अपन ने पर प्लांट? कृषि अमृत पिछले साल डाले थे सर मैंने 4 किलो। अच्छा एक पौधे को 4 किलो डाला था, अभी इस साल 6 किलो। अच्छा अच्छा वेदिक वेदिक को कब कब से यूज कर रहे हैं आप वेदिक को सर इसमें? वेदिक तो पिछले साल से यूज कर रहे हैं सर। अच्छा क्या फर्क हो गया वेदिक से क्या फर्क हो? वेदिक में जैसे अपना पहले जैसे ठीक है कृषि मतलब सेल्चर जो डालते हैं और वेदिक डालने से क्या फर्क आया इसमें और चेंजेस क्या दिखा आपको वेदिक की वजह से? वेदिक की वजह से क्या हुआ सर पौधों की ग्रोथ अच्छी हुई जी, और उसके बाद आपने पत्ती और फल में ग्रोथ अच्छी आई जी 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 जी। बैगिंग का ही खर्चा ज़्यादा आया मेरे को। अच्छा 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 मतलब ये अपना को दवाई खाद स्प्रे का ये बहुत कम खर्चा आया, बेगिंग का खर्चा आया, अपना फॉर्म नेट पॉलीथीन पेपर न्यूज़पेपर इनका खर्चा बढ़ा, बाकी उसका कम आया इससे भी। चलो 80% खर्चा मिलीबग पे गया है। हमारा मान लो 1 लाख रुपए का अगर कोई बिल बना होगा ना तो उसमें 80,000 रुपये मिलीबग के पीछे गया है, 20,000 रुपये हमने फंगीसाइड के चक्कर में डाले मतलब हमने 1,80,000 रुपये तो मिलीबग के लिए ही खर्च किया। 1,80,000 रुपये मतलब 1 लाख का अगर खर्चा हुआ है तो 80,000 का खर्चा मिलीबग के पीछे किया है, क्योंकि दवाई मिलीबग के लिए डालना पड़ा ना भाई, मिलीबग है तभी दवाई डाला भाई, अमृत में क्या आ रहा है कोई इतना फंगस तो ठीक है हल्का फुल्का कोई एक दो स्प्रे हो गए होंगे। पूरा पत्थर है अच्छा। पत्थर से पौधे ये नहीं चल पा रहे पूरा वो चट्टान आ गए ये सब पत्थर ही आ गए, लेकिन फिर भी पर पौधा लगा था वो अभी वापस वो बारिश में सही हो जाता है बाद वाले में ऐसा खराब हो जाता है वापस फूटता है अच्छा। ये यहाँ पर पूरा नीचे चट्टान आ गया ना ये चट्टान तो वो जड़े जाने के लिए जगह नहीं बची पूरा एक टाइप का पत्थर हो गया वो। इसमें भी 2 साल से यूज कर रहे हैं चल रहा है पर सर वो हमारे हिसाब से कर रहे हैं सिर्फ साइज का जरूर पर से दो ही चला रहे हैं आप दो ही गाड़ी दो ही गियर चला रहे हैं अभी दो ही चल रहा है इसके बाद में पूरा नहीं स्विच पूरा शीतल नहीं है पालो उसमें सिर्फ दो चीज इन्होंने ऐसे ये वेदिक का कुछ भी नहीं डाला अभी अभी नहीं अभी डाला है नहीं अभी ये तो इन्होंने अभी डाला है ये भी अभी मंगवाया था मैंने आपका पानी थोड़ा उनसे कम है। हां पानी कम है हमारे पास पानी कम है उनके पास पानी ज्यादा है ज्यादा है सर तो ज्यादा ही चलेगा वो तो स्वाभाविक है अब हमारे से पूर्ति नहीं हो रही है ना कि हमारा कम पानी है तो कम हो रहा है हमारे घर में अगर शुगर नहीं नहीं हमारे घर में अगर शुगर फैक्ट्री है तो हमें तो 24 घंटे शुगर ही खाना चाहिए नहीं होता है वो फल तो बड़ा हो गया मान लो हाँ उससे दाग आ गया था कोई दिक्कत नहीं इसमें एक सबसे मेन चीज है यहाँ की चिकना ये जो ऊंचा नीचा दिख रहा है ये मार्केट में कम चलता है हाँ। अपने को पूरा इसको चिकना चाहिए इसमें साइज चार्जर डाल के देखना साइज चार्जर का काम ही वही है
बस ये क्वालिटी यहाँ खराब हो रही है, साइड भी बन गई सब हो गया। चार्जर डालना दो, हाँ दो चीज आ रही, एक तो जो बारी पर जो स्पोर्ट आते हैं ये क्या हो रहा है ये, हाँ ये आपका नाइट्रोजन बोल रहा हूँ मैं, और नाइट्रोजन की वजह से ये सब टीला टूला हो रहा है। आप अगर उसके अंदर अगर ये आप सही तरीके से क्वालिटी चार्जर उसके साथ में हेल्थ चार्जर और अपना साइड चार्जर यूज करोगे तो ये उसका अलग चित्र हो जाएगा। बस बस ये पूरा चिकना चाहिए, ये है ना ये स्पोर्ट स्पोर्ट ये बारी बारी ये नहीं आना चाहिए, और ये सबसे ज्यादा आ रहे हमारे, वही बोल रहा हूँ आप, और इसी से हमारा मार्केट कम हो रहा है। नहीं इसका स्किन है ना, स्किन नरम है ना पूरा, ये देखिए स्किन जो है उसका, ये देखो इसमें से पानी उड़ रहा है, देखो पानी है, पानी ये देखिए, ये मेरा पैर पूरा क्या हो गया, हाथ गीला हो गया, मतलब इसमें गर नहीं है, फिर क्या है ज्यादा पानी पानी है। ये देखिए मैं ऐसे दाड़ता हूँ तो पानी उड़ता है जी, ये देखो ये पूरा पानी निकल, पानी भरा है। तो मैं जो जब से आया हूँ तब से यही बात बोल रहा ज्यादा हो रहा है, पानी पानी पानी, मतलब ये पानी ज्यादा होने की डिस्टेंस है, वो तो गानी गाना ज्यादा आ गया, पानी 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 पानी, किसका गाना है ये, हनी सिंह का गाना है ना वो, देखो ये पूरा इसमें अगर नोचोगे तो पूरा इसके अंदर पानी की वजह से ज्यादा होता है ना स्पॉट, ये देखो ये देखो सर देखिए, ये देखो तरबूज जैसा निकलेगा वो, तो फिर तरबूज खाने में क्या मजा है, वो तरबूज समझ के खा लेते हैं। तो ये जो केमिकल है पूरा केमिकल बंद करके अगर आप इसमें सिर्फ अपना टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो आपको इसको जबरदस्त ताकत मिलेगी। देखो नाइट्रोजन जहाँ से ये पेड़ लगाना वहाँ से हमने यूरिया तो कभी भी नहीं पता है, डाल रहे हैं 12-35-16 डाल रहे हैं, उतना तो उतना जा रहा है नाइट्रोजन, केमिकल का स्प्रे भी कर रहे हैं, हाँ केमिकल का स्प्रे तो पूरा उसी से चल रहा है ऊपर स्प्रे में टोटल कम्प्लीटली। 1.5 महीने बाद मुझे फल भेजना पैकिंग करके, ठीक है सोना हो जाएगा सोना, आप बोल रहे हैं ना आपका नाम होना हमको पूरा गोल्डन कलर फल पे, ये वाला कलर ये होता क्या है से साइज बढ़ा रहा है कलर नहीं, ये कलर ये कलर नहीं है और पूरा इस पे चिकनाहट चाहिए, पूरी चिकनाहट चाहिए इसकी, तो वो फल आज उसकी वैल्यू है। देखिए आज वो मजे की बात ये है कि आप उसमें जो देखिए मैं उसमें हाथ डालता हूँ तो सिर्फ पानी उड़ता है, मतलब ये जो पानी है हम पानी के लिए खाते है क्या, हम जो अमृत है वो किस लिए खाते हैं, घर के लिए, फाइबर के लिए, वो फाइबर है नहीं पानी है सिर्फ उसके अंदर, फाइबर के लिए खाते हैं, तो कैसे वो खुद कैसे जिंदा रहेगा, अगर वो खराब बन जाएगा तो वो खुद सड़ जाएगा, वो खाने नहीं देगा खुद को, ये नेचर है, प्रकृति खुद को रोकती है वो खाने से, गंदा चीजें खाने से वो खुद को सड़ा देती है। मेरे को ये पूरा गोला चाहिए चिकना और पूरा चिकना, हाँ पूरा पूरा वॉचमैन हो गया आप, खाली गोडाउन पे ध्यान दे रहे हैं और गोडाउन में पूरा पानी भरा हुआ है बस ये खुली है ना सर, ये हमारे क्या मई में छोटी छोटी एसी एसी बनी के सब गिर जाएगी, गिर जाएगी नहीं पीली पड़ के गिर जाएगी, जाएगी नहीं गर्मी, हाँ वो नहीं ये सब ये माल अगर ये बारिश का माल लेने जाएंगे अपन जल्दी से जल्दी, आप जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको वो सब चीजें करो आप जल्दी से जल्दी करो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब फर्टिगेशन में क्या करते हो नीचे से, नहीं हाँ फर्टिगेशन में तो नहीं वो तो बेसल ही डाल रहे जैसे आपने जो बताया ना विधि, वही बस ये दोनों ड्रिप है ना उसके उसकी जगह खड्डा वो तब लगा के उसमें हमने क्या किया कि एक पौधे को एक किलो जैसे कैल्शियम रख लिया है ना उसके साथ में हमने 10-26-26 ले लिया और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिला लिए, उसके साथ आप कितना डालते हो, नहीं ये एक बीघे में एक बोरा जैसे 50 किलो के साथ में इसका डाल दिया 10-26-26 का और एक बीघे में 3 किलो अपना ये हो गया कैल्शियम रख और उसके साथ में कुछ माइक्रोन दूसरा कुछ मुझे ये डाल देना, ये मुझे क्या लगता है कि इसको ये एक ऐसा होना चाहिए जब आपका फल बड़ा हो जाए ना तब आप उसको बैग डालना चाहिए, अच्छा छोटे फल को बैग डालना ही नहीं चाहिए, हमारा वही होता रहा कि वो फिर उसके इसके वो मार्केट में जाके वो फिर बिकने जाता, ये तो तीन समस्या है, एक तो फ्रूट फ्लाई बहुत रहती है इसमें, तो फ्रूट फ्लाई का सब फल सड़ जाते हैं फिर वो, अच्छा तो जैसे भी ये नींबू से बड़ा फल होता है उसमें फ्रूट फ्लाई ढंग मार देती है और फ्रूट फ्लाई की वजह से फिर बाद में जैसे फल इतना पकता है वो सड़ा निकलता है अंदर से, एक तो उसके लिए हमको ये बैग जल्दी डालना पड़ रहा है, दूसरा पत्तियों की जो स्टेज आ रही है ये पत्ती जो रगड़ती है हवा से उसके अंदर पूरे जो स्टेज होता है ना वो फल नहीं बिकता, वो सब माल 2 नंबर पर चला जाता है, बोलो फल कितना ऐसा, इसके लिए हम वो जल्दी बैग डाल रहे हैं। ये फ्रूट फ्लाई तो हमारे सर सितंबर से पहले पहले ज्यादा आती है, सितंबर अक्टूबर के बाद ही नहीं आती इतनी, रिजल्ट तो आपको वैसे एसिडिटी का भी बहुत बढ़िया मिल रहा है, हाँ जी थोड़ा पानी जो है ना आपका उससे कम है फिर भी मतलब थोड़ा पानी में फर्क है ना, तो इससे आपको यहाँ पे दिक्कत 4 बार दिया कम दिया चार मतलब आधा किलो, हाँ एक पौधे को आधा किलो के साथ है, एक पौधे को अभी तक 2 साल में 2 किलो अपना परिश्रम चला गया, पौधे को अगर 2 किलो एक बार डाल दिए आप
तो आपका ये फल इतना खतरनाक हो जाएगा ना, ये पकड़िए अभी, ये देखिए ये फल, ये कितना जबरदस्त सेटिंग होगा। लेकिन एक चीज आपको देखना है कि इसको हरा होना चाहिए। वो कैसा हो गया? वाइट वाइट हो रहा। आपके बगीचे में अभी देखा हमने, कैसा है? हरा है पूरा एकदम। और वो हरा है तो बड़ा होने के बाद भी हरा ही रहेगा। ये अभी से सफेद हो गया, सफेद हो रहा है, सफेद हो रहा है, मतलब इसमें केमिकल ज्यादा हो रहा है। तो केमिकल और पानी की मात्रा ज्यादा वो खींच रहा है। क्या होता है ये, इससे हमारी जो हेल्थ है, हाँ देखो बहुत बढ़िया मम फल दे दिखे, फल बहुत लग रहे, लेकिन उसकी जो हेल्थ होनी चाहिए ना, ये देखिए अभी यहाँ पे पत्ते देखिए उसके, ये फल लग गए, पत्ते छोटे हो गए, हो गए ना। तो इसकी ताकत इसने क्या कर ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ तो कहर हो गया, देखिए यहाँ तो इतनी खींच ली कि रखे ही नहीं कुछ, मतलब ये जो फल होते हैं आपको पता है ना, जब बच्चे हो जाते हैं ना, नए नए बच्चे हो जाते हैं, तो उसके जो माँ बाप होते हैं ना, वो खुद के मजे करना बंद कर देते हैं। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही है ना। और जो मैं वही बोल रहा हूँ ना आपको, ये जो ड्रॉप हो गया ना आपका, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो बच्चे, ये तो बच्चे बराबर है ना, और ये माँ बाप है, ये इनको देखो, ये देखो कितना छोटे हो गए, ये देखो इस कितना बर्बाद हो गए। हम क्या बोल रहे हैं, अरे ये तो बीमारी, ये बीमारी नहीं है, इसके अंदर की ताकत इन्होंने खींच ली है। और पौधे को आदत की जरूरत, अभी अगर ये बच्चे भी चाहिए, वे भी चाहिए, तो इसकी पगार बढ़ानी पड़ेगी। और हम पगार की जगह उसको मार दे रहे हैं, केमिकल की मार दे रहे हैं, जो उसकी पगार नहीं है, बराबर है ना। तो आपको उसको जो भी देना है वो आप प्राकृतिक तरीके से दो, केमिकल तरीके अभी वेदी को चालू कर देंगे। और ये जो खराब है ना, यहाँ को देखने को नहीं मिलेगा, हाँ ढूंढना पड़ेगा आपको। आपने केमिकल को बंद कर दिया ना, हाँ हो जाएगा। तो ये देखो आपका छोटा फल है, फिर भी उसके ऊपर सनबर्निंग आ रहा है, देखो जी जी, जरूरत नहीं ना इसके ऊपर, ये प्योर हरा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए फल जब हरा होता है ना, वो खुद भी खाना बनाता है, खुद के लिए खुद खाना बनाता है। देखो कितना, ये भी इसको कितना माल आ गया, बराबर है ना, इसको ताकत उतनी मिलेगी तो वो अच्छा हो जाएगा। अभी हम इसको ध्यान दे रहे हैं, इसको लेना नहीं है, ये कटिंग हो जाएगा, इसको मारना है, हाँ ठीक है, इसे मारना है इसको, हाँ ये क्या अपना हमारा जैसे, ये तो ये एक्स्ट्रा आया हुआ है, ये फल बारिश का है, हाँ। अपना सीजन जो रहता है ना, अपना रहता है कि 15 मई के आसपास इसकी कटिंग हो जाएगी, तो ये माल गर्मी का आएगा, तो ये तो एक्स्ट्रा, जैसे ये फल जो पौधे को यहाँ से पूरा कट कर देंगे, पौधे को यहाँ से कट कर देंगे। नहीं अभी तो ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें क्या करना है, फिर भी पौधे में वो डिफेंस है ना, इसके अंदर मतलब कमी महसूस हो रही है, ये चीज जब लेंगे तभी आएगी ना, वो समझ गया हम आपकी बात को कहने के, पर ये इसलिए हम इस पे ध्यान नहीं है, पर हमारा अभी ध्यान सिर्फ जो फल है लगा हुआ इसको निकालना है, उस बाद में पौधे को कटिंग मारेंगे। ये जो आपका लाइन है, हाँ, इसको आप पानी देते नहीं क्या? पपीता को देते ना सर, देती है ना, हाँ। फिर उसको देखो कैसे मरा मरा सा लग रहा है, क्यों क्यों लग रहा है, मरा मरा सा क्यों लग रहा है, क्योंकि फर्टिगेशन ओवर फर्टिगेट हो रहा है, ज्यादा फर्टिगेशन ज्यादा हो रहा है। सर इसमें से पर प्लांट, ये प्लांट है और इसमें से कम 70 किलो माल निकाल लिया है, फिर भी ये कितने कौन प्लांट है आपके? ये 1000 प्लांट का पूरा, ये वाला आप जो यहाँ खड़े, आपका नाम और पता बता दीजिए। कन्हैयालाल पाटीदार, गांव जाबड़ा, तहसील बदनावर, जिला धार। आपका नंबर बता दीजिए। 9981278008। ओके, अभी ये फल, ये बगीचा कितना है? ये सर 1000 प्लांट का बगीचा है, मतलब दो मतलब एक एकड़ का। वैरायटी पिंक ताइवान। और वो कितना बगीचा है? वो भी एन आर है, वो उसमें 1300 प्लांट है। अच्छा, ये दोनों मिलके कितना हो गया? मतलब 2300 पौधे हो गए। 2300। और वैरायटी दोनों अलग है? अलग वैरायटी। और लगाया भी थोड़ा सा, वो कितने साल का हो गया? दोनों साथ में लगाया, साथ में लगा, मतलब ये समझो आप इसको 2.5 साल का हो गया। हाँ, 3 साल हो गया, 3 साल हो गया, 3 साल हो गया। ये बोल रहे हैं कि इसका पूरा माल निकला हुआ है, फिर भी इसको इतना माल लगा है, पूरा क्या सर? 70 किलो निकाल लिया इसमें। हाँ, एक प्लांट का 70 किलो, फिर भी इतना जबरदस्त है। तो देखो ना, फिर भी पूरा नहीं इस्तेमाल करते हो, सिर्फ 4000 कृषि अमृत यूज किया है, और एक दो स्प्रे किए हैं 4000 उसके, इसका चार्जर के एक एक केन को एक एक बार स्प्रे किया था। ओके 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 ओके, वो भी अगले सीजन में किया था, इस सीजन में तो नहीं। अच्छा, ये देखो 3-3, 4-4, 5-5 लग गए,
फ्रूट तो बहुत आते हैं, अभी थिनिंग कर दी इसकी, ये सब नीचे जा रही है तो हर जगह निकल रही। हाँ इसे डबल थे, इससे तो और भी इससे ज्यादा थिनिंग करना है ना, थिनिंग करके जितना लेना उसमें इसमें और अभी जैसे हम लेंगे तो फ्रूट की साइज बढ़ाना हमको, मतलब 400 ग्राम का फ्रूट चाहिए, अगर ये सब रखेंगे तो 200 ग्राम का हो जाएंगे। यहाँ पे दो ले रहे ना, तो आप इसको चार भी ले सकते हैं, सिर्फ आपको क्या करना है जो डोस आप एक किलो का डाल रहे हैं उसको दो किलो का बढ़ा दो उसको, तो फिर भी इसको बढ़ाएं, यूं तो नियम से हमका हमारा एक ही लेने का है तो सही साठ है, पर अपन दोस्त के हिसाब से दो ले रहे हैं। अरे अपन जो फर्टिगेशन प्रॉब्लम क्या है लोगों का प्रॉब्लम है कि कुछ का सेटिंग ही नहीं हो रहा है और आपका आपको थिनिंग कर रहे हैं, बराबर है ना, तो शुरू से थिनिंग हो रहा है क्योंकि हमको 3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं डाले, जिसको 3 महीने हो गए, हाँ 2.5 महीने 3 महीने होने रहा है डाले, तो अब वापस इसमें अभी रिपीट करना है इसको, ये लेना है और रिपीट करना है तो थिनिंग करते सब फल तो होते, पर ये जो लेना उसको रखा है इसमें अभी जो उसको जो स्ट्रेस आ रहा है ना पीले पीले जो हो रहे हैं उसका कारण ही वही है कि उसका जो ताकत है वो खींच रही है, फल खींच रहे हैं। चौथा प्लस है ये तो, बिल्कुल बिल्कुल इस साल का, हाँ चौथा प्लस ये चौथा प्लस सारा, मतलब चौथा बाहर बारिश से रेगुलर चल रहा है, बारिश का हो गया सितंबर वाला हो गया, वो पौधे डबल है इससे फिर भी उससे डबल माल दे रहा है, डबल माल दिया ये चौथा डबल दिया, ये बारिश वाला हो गया फिर सितंबर वाला हो गया, ये एक अभी जस्ट अभी 8 दिन पहले पूरा हार्वेस्टिंग हो गया खेत का, और ये वापस चालू हो जाएगा अपना मई में। अच्छा मई में आ जाएगा ये मई से वापस, चार महीने का 3 बार हो गया जी, 3 महीने का हो गया, और तीन महीने का हो गया, वो अपन उसको कटिंग के हिसाब से चला ना तो अच्छा अच्छा आगे जैसे वो माला है उसको कटिंग मार दी। इन जनरली आप कितने बार लेते हैं हर साल? दो बार वो 3 बार हो गए। हाँ और ये समझा तो बारिश का भी कुछ लिया था आधा, जैसे एक पौधे से 10 किलो माल बारिश का निकाल था। एक बार में समझो एक आपकी ये पौधे कितने बोले 1000 1000 में एक बार में कटिंग होता है तो कितना माल निकलता है? जैसे 1000 पौधे का अपन ने 20 किलो 20 किलो के हिसाब से एक पौधे से 20 किलो निकला, पर प्लांट 20 किलो पर प्लांट 20 किलो निकाला हमने, 20 टन हो गया ना, हो गया ना। वो अपना जो है वो नासिक वाला उसका कितना पौधे है? 2 एकड़ है, 1400 ना, 2 एकड़ पूरा क्षेत्र है, हाँ और 40 टन निकल, 40 टन निकल, कितना 2 साल के पौधे 40 टन और माल ऐसा निकलता है पूरा फॉलो नहीं किया ना अपने 20 को, नहीं हाँ तो उन्होंने पहले साल में उन्होंने अभी उनका जो पौधे ना आज 20 महीने के और पिछले साल में उन्होंने माल लिया था तो अभी उनका वो बोल रहे थे पहले 14 टन निकाला, 14 टन पहले बाहर में और ये बाहर में 42 टन इतना माल निकला। और आपको सबसे मजे की बात बताऊं, उनको किसी ने पूछा कोई 80 एकड़ वाला कोई अमरुद का किसान आया था वहाँ उनको मिलने के लिए, वो पिता पुत्र दो को है तो वो रहते कहाँ पे वो भी बताऊँ मैं, नामपुर है ना सटाना नासिक में, हाँ वहाँ पे रहते, तो उन्होंने उनको पूछा वो 80 एकड़ वाले ने कि यार तुम्हारे बगीचे तो जबरदस्त है पत्ते ऐसे वैसे, आपके इधर देखो पत्ते छोटे बड़े दिख रहे हैं, ओके सब पत्ते ऐसे बड़े बड़े, तो उन्होंने बोला आपका बगीचा तो बहुत सही है लेकिन आप मुझे एक बात बताना आप मिली बग को कंट्रोल कैसे करते हैं? हाँ, सही बात। जो आपका सवाल है ना, मिली बग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वही था, नहीं वही उसको पूछा हुआ, तो जब सवाल पूछा तो वो उसके आंखें बड़े हो गई, बोला मिली बग वो क्या होता है वो वो क्या बोला वो क्या होता है वो आता है क्या, मतलब वो सामने वाला जो 80 एकड़ वाला था वो परेशानी में आ गया कि इसको इसको कुछ समझता नहीं, ऐसे कहूँ कि ये जानबूझ के नाटक कर रहा है ऐसा बोलूं तो सच में उसके बगीचे में कोई मिलीबग नहीं देखा ही नहीं, देखा ही नहीं पहले से क्योंकि वो पूरा वैदिक इस्तेमाल कर रहा है। सर हमारे यहाँ पर भी ना जैसे अमरूद इनका बगीचा 8-10 साल का हो गया, ये मिलीबग 2 साल से हमारे इधर एंट्री हुआ है, 2 साल पहले हम मिलीबग को 2-3 साल पहले नहीं था कहीं पर भी, 2 साल जैसे केमिकल इसमें बढ़ता जा रहा है खाद का शेड्यूल, अभी आप सवाल भी पूछ रहे हैं जवाब भी दे रहे हैं, बस खत्म हमको खुद तो हो गया ना एहसास हो गया है उनका जो वो क्यों आ रहा है। आप उनको मैं नंबर देता हूँ आप उनके बुन से बात करो आप एक बार, आप फल जितने ज्यादा रखोगे उतना साइज कम होगा, जितने कम रखोगे उतना साइज बढ़ेगा ज्यादा हो जाएगा, बराबर है, तो हमको क्या करना क्या है दोनों का मैनेज करना है, तो हमको नहीं करना है वो खुद को करने देना है, करना देना है किसको पौधे को, उसको कुछ ज्ञान है कि नहीं है, मैंने आपको अभी बताया ना कि जिस जगह पे हमने जो पत्ते देखे तो एक पत्ते में एकदम सही लाइन जा रही है और ये दूसरे पत्ते में लाइन टेढ़ी टूढ़ी जा रही है, क्यों? क्योंकि उसमें हम खाद डाल के उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो सेम आप उससे बात करना, वो ये अगर पौधे में आपको 40 टन मिल गया तो 20 टन का आपका पैसा कितना होता है एज एन एवरेज?
फिर भी कितना होता है, होगा 10 लाख रुपए? 10 लाख रुपए हो गया ना बराबर है, 50 के भाव से 10 लाख रुपए हो गया, 40 टन का कितना हो जाएगा? 20 लाख बराबर है ना। तो ऊपर जो 10 लाख आने वाले उसमें से 2 लाख खर्च करो ना इसको, आप क्या करो, खर्च भी नहीं सर लिमिट में करो। वो 2 लाख खर्च करेंगे ना, जैसे 50 बिक रहा है, वो 2 लाख खर्च करने में वो 70 बिकेगा। अगर वो 2 लाख खर्च करेंगे इसको, इसको कृषि अमृत का डोज भरपूर डालेंगे, वैदिक करेंगे, तो आपका जो माल निकलेगा वो 50 से नहीं जाएगा, रेट भी बढ़ेगा ना, क्योंकि उसका जो क्वालिटी है ना, आप अमृत ऐसा खाओगे शक्कर खा रहे हो कि पानी नहीं लगेगा, अमृत खा रहे हो कुछ शक्कर खा रहे हो वो समझ में नहीं आएगा। और ये बंद करो, ये कौन यूज करता है ये, अब तो अपना बंद कर दिया पूरा, अब तो पहले 2 साल पुराना है सर, ठीक है, पर ग्रामोग्राम फिर भी एक दो बार मारना पड़ रहा है, नहीं, पर नहीं, 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 तो पूरा बंद कर दिया है, पर फिर भी ज्यादा परेशान, अब वो ब्रश कटर से ही ब्रश कटर से क्या चला, 2 साल तक बंद कर दिया है। मैं आपको गारंटी के साथ बोलूंगा, आप 10 साल लगातार यूज करो, उसके बाद में अगर आपकी मिट्टी से कोई उगा तो कुछ उगा नीचे ऊपर से ऐसा, मतलब मुझे बुला लीजिए दिखाने के लिए, चमत्कार। हमको खुद का इसका अभी तो साइड इफेक्ट 2 साल में पता चल गया, ये इसका कितना साइड, ये देखो ना, ये उसके ऊपर वही असर हो रहा है ना, पूरा केमिकल का, वो खत्म ही नहीं हो रहा ना जमीन से, कैसे होगा वो बारिश में पर वो, अरे सर सेकंड वर्ल्ड वॉर में, हेलो ये कंबोडिया देश थे ना, कंबोडिया सी कनेलाल जी, जो अपना सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना उसमें ये जो राष्ट्र है ना उन्होंने कंबोडिया के ऊपर वो डाल दिया था, नहीं नहीं वो स्प्रे डाल दिया इसका, ग्लाइफोसेट का स्प्रे डाल दिया और पूरा देश बर्बाद कर दिया, बच्चे भी ऐसे लूड़े पंगड़े जन्मे एक आप प्लाट पे गए थे विजिट पे, वहाँ पे जो लेबर थे वो मालिक पूरा आपका एससीटी का यूज कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि मेरा बच्चा अपंग है और ये सब्जी वगैरह खाने से वो चलने लग गया, सही वैदिक की ताकत है, दूध सब्जी लाया ना मैं देखने के लिए, ये सबको दिखाएंगे ना, उन्होंने लेबर ने बोला कि ये बच्चा चलने लग गया, अरे मैं सब कुछ दिखाऊंगा आपको, बस ये जितना फल देखो मार्केट में डिमांड सर इस फल की है, ये तो गोलाई बाटी होना चाहिए और इसका चिकना चाहिए पर कुछ भी रिंकल नहीं होना चाहिए, पूरा फ्रेश होना चाहिए सर, उनका जो फल है ना उनका कुछ कारण से उनका फल इतना अच्छा सब एकदम ऐसा पीला पीला ऐसा मस्त है, तो होगा ना वो चिकनाहट की उससे, नहीं उनका फल की क्वालिटी इतनी जबरदस्त है ना, हां जैसे इस टाइप से दिख रहा है ना ये, इस टाइप का होना चाहिए, बस वही दोनों चाहिए फल, ये टेस्ट के लिए खाया जाता है, इसके लिए खाने में टेस्ट होना चाहिए ना, मीठा बराबर है ना, तो ये मिठास अगर है तो लोग खाएंगे और वही प्रॉब्लम हो रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा, तो आप जब ये करेंगे ना वैदिक का आप देखना, पहले आप खाएंगे, आप कितना खाते हैं इसको, कहाँ खाते हैं बहुत कम खाते हैं, ये पिंक का जिसमें जो पर चला था ना ये मतलब मार्केट में 10 रुपए ज्यादा ही चला हमेशा, अपना वाला ये वाला इस प्लाट वाला जहाँ से अपन ने डाल रखा था इसको पिंक में, तो उसकी क्वालिटी और टेस्ट उसका बना आधे में भी बना उसका, फिर भी दूसरे से 10 रुपए ज्यादा टाइट बिका, जैसे अगर 50 बिकता था तो 60 बिका था, बराबर 40 बिका थे 50 बिका, 10 रुपए बढ़ता था, जबकि आधा यूज हुआ उसके अंदर, आधा यूज हुआ, तो मैं वही आपको बोल रहा था उसका आया उसमें, तो अगर टेस्ट बढ़ेगा तो पहले कौन खाएंगे, जिस दिन आप आम अमृत खाना शुरू करेंगे आपके घर वाले खाएंगे आपके रिश्तेदार खाएंगे, तब समझना आप सही अमृत बना रहे हैं, तब तक आप सही नहीं बना, कितना भी पैसा बना कोई अंदर खाने में भी बराबर है ना, ऐसा हाथ में लेने के बाद ऐसा लालच होना चाहिए, अरे इसको खाए क्या होना चाहिए लालच, अगर आपको खाने का लालच नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए आपकी बॉडी उसको रिफ्यूज कर, इधर फ्री में फिर भी नहीं खा रहे और लोगों ने पैसे देके ये हमारा सपना क्यों होना चाहिए, हमारा सपना ये होना चाहिए कि हम लालायित होना चाहिए खाने के लिए, फिर लोग उसको अपने आप लेंगे कि नहीं लेंगे, ऊपर वालों का धंधा ये देखो कैसे चलता है, ये बोल रहे हैं कि पढ़ने वाले कम है और ये रैप करने वाले लगाने वाले ज्यादा है अंगूर को, अरे भगवान लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं सर जी वो वातावरण खराब हो गया, हाँ। अरे वातावरण इसके लिए खराब नहीं हुआ क्या, हुआ क्या तो बराबर है मिट्टी की मिट्टी का मिट्टी, मतलब यहाँ पे जो फर्क दिखाई दे रहा है ना खाली मिट्टी है, वो पूरा जो फर्क है सर वो देखो सामने वो जो है ना वो खराब हुआ और यहाँ पे वो अच्छा है, देखिए ये हमारे पास में ही अच्छा है, क्यों
जहाँ मिट्टी अच्छी है वहाँ पे अच्छी है, जहाँ मिट्टी खराब हो गई वहाँ पे खराब हो गया। इसका अर्थ क्या निकलता है कि सब काम जो है वो सब मिट्टी का काम है, सब ताकत जो है वो किसी का है, मिट्टी का। हाँ, बीमारी मिट्टी से आ रही है ना। हाँ, मिट्टी अगर आप ताकत आ रही तो मिट्टी से आ रही है, और बीमारी आ रही है तो मिट्टी से, कमजोरी से आ रही है। महाराष्ट्र में जब जाता हूँ मैं ये अमरूद प्याज वो इनके खेत में मैं जाता ही नहीं कभी। अनार का ही देखा हमने वो ये मतलब हमारे लिए बच्चों का खेल है, इसमें क्या दिमाग लगाना। अनार का ही अंगूर है, ये अनार है, जिसमें जिसमें कोई टेंशन ही ना उसी को हम देखते सिर्फ, बराबर है। लेकिन यहाँ पे यही से शुरुआत करनी पड़ती, गेहूँ से शुरुआत करनी पड़ती। सही बात है, ठीक है, कोई बात नहीं। अनार पे बने हुए ज्यादा। हाँ, सबसे ज्यादा तो अनार पे ही था, हमने अनार का देखा था, हमने फिर अमरूद का तो टूटा, अनार पे लगाया था भैया अभी, मतलब 2-3 एकड़ का लगाया है अनार, नया पौधा है, अगले साल से चालू होगा, माल लेना है इस बार। अरे अनार तो अगले साल से, तो इस विधि से एकदम बढ़िया हो जाएगा। जुलाई में लगाया सर ये? हाँ, ये अभी कब लगाए? ये जुलाई में लगाए। ये जुलाई में लगा जी। ये कितने पौधे? 1000 प्लांट। अभी पूरा देखिए, अभी इधर से पूरा लेवल दिख रहा है, आप इधर जाओ आजू बाजू में जी, और एक लेवल का मुझे ऐसा नया बगीचा दिखाओ, एक लेवल का। एक लेवल में नहीं मिलेगा। हाँ, छोटा बड़ा छोटा बड़ा, ये भी एक रिजल्ट है ना। हाँ, इसका तना देखो कितना बढ़िया है, तना अच्छा है देखो। हाँ, हो गया ना। हाँ, ये यहाँ पर फिर भी आप आधा किलो डाला है। अगर इसको ज्यादा डाल दिया तो क्या खरीदोगे? आम जैसे हो जाएगा। आम जैसे हो गया, लंबा लंबा हो जाएगा पत्ता इसका। अभी आप वैदिक वगैरह देंगे ना, एकदम खतरनाक हो जाएगा वो। अभी ये कितने दिन का हो गया? 6-7 महीने का हो गया। कोई बिलीव करेगा क्या? नहीं, नहीं करेगा, भरोसा करेगा। वो बोलेगा 6-7 महीने का। और कितनी बार इसका फल तोड़ा है? ये तो 3-4 चक्कर नहीं, ये सब। हाँ, जब इसको बना रहे ना तो तोड़ के फेंक रहे हैं। जैसे यार ये जो कली आते जाते तोड़ रहे हैं, 3-4 बार तोड़ इसे। आपको अनार में भी करना है, हमेशा याद रखो अनार का कुछ अलग नहीं है, अनार का भी आपको सेम करना है। ये ऐसे फल नहीं आप आने आने देने, शुरू में कम, जब तक आप पकड़ते नहीं है तब तक उसके फल नहीं आने देने। बस इसको हमको पौधा बनाना, हम जैसे कली आ रही है तोड़ते जा रहे हैं, वही अनार में करना ये काम चल रहा है, इसको टैपिंग करते जा रहे हैं। बस 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 है ना, कली तोड़ना टैपिंग करना, सेम कर देंगे। यहाँ पे आप देखिए इसके फुटास कितने जबरदस्त, ऐसा ग्रोथ हो गया जबरदस्त। सॉइल चार्जर इसको दिया है, थोड़ा दिया है। हेलो, गणेश शिंदे सर बोलते हैं ना? मी सर सॉइल चार्जर टेक्नॉलॉजी बोलतो आहे। साहिल सर, आपले एक मध्य प्रदेशमध्ये आता आपले एक नारायण पाटीदार सर जे पेरूची शेती करताय, त्यांच्यासोबत ना म्हणजे त्यांना उनके साथ थोडीशी बातचीत करनी आहे, तो उनके साथ बोलू अभी थोडा। हां, नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम पेरू की खेती करते हैं हम भी। हां बोलो सर। तो हमको कैसे क्या करना है, क्या डालना है? अभी आपके पास तो सबसे बड़े तो सर आपका अनुभव चाहिए ना थोड़ा। हमारा अनुभव तो हम उनके उनके पीछे ही चल जाए। कितने प्लांट है सर? जी जी सर, आपके कितने प्लांट लगे हुए हैं आपके पास? वीएनआर लगा हुआ क्या? पिंक है सर। अच्छा, पिंक ताइवान। कितने कितने पौधे लगा रखे हैं आपने? 2000। अच्छा, 2000। डिस्टेंस क्या है पौधे से, और लाइन लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट? अच्छा, 10x6। जी जी। तो कितना प्रोडक्शन मिला है सर अपने को इस बार? कितने दिन का हो गया? इस बार मेरे को 40 टन माल निकला सर। अच्छा अच्छा, कितना मतलब कितने साल का पौधा हो गया अपना? अभी ये 12 फरवरी में हुआ, 2 साल का। 2 साल का हुआ है। जी 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 जी, बहुत अच्छा। अच्छा, फल की साइज क्या बनी थी सर अपनी? फल की साइज मेरे वो 800-900 ग्राम बनी थी सर, 500 के आगे थी। अच्छा अच्छा, मतलब आपने क्वालिटी उसकी में कहाँ का मार्केट किया आपने? पूरा पिंक का माल कहाँ बेचा आपने? आपने 3 जगह पर मार्केटिंग हुआ सर, दिल्ली मार्केट हुआ जी, सूरत मार्केट हुआ, एक बनारस मार्केट हुआ। अच्छा अच्छा,
जी जी जी। रेट क्या चला सर इस बार? स्टार्ट हुआ था सर 70 रुपए से जी, एंड हुआ 50 रुपए के आसपास। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छा है, उत्पादन मिला। मतलब आपने एक डाली पे जैसे बज में फल दो दो तीन तीन रखे थे कि एक एक सिंगल सिंगल किया था उसमें? दो फल रखे थे। हर डाली पे दो फल लिए थे ना जी सर? हाँ नहीं, हाँ जी जी। अच्छा अच्छा, उसको बेकिंग किया था आपने? हाँ, बेकिंग किया था सर। अच्छा अच्छा, कब का का मतलब फल की कौन सी साइज पे उसको बेकिंग किया था आपने? अपने नींबू संजाती ना जी सर, नींबू साइज के ऊपर बेकिंग किया थे सर। क्वालिटी जी जी, उसकी क्वालिटी कैसी क्या बनी? और कलर उसका आ गया गोल्डन? गोल्डन कलर वगैरह सब आ गया, ऊपर की थिकनेस भी बहुत अच्छी बनी सर, ग्रेनरी बोलते ना आप। जी जी, चमक वगैरह बहुत अच्छी मिली। पक के लिए क्या मतलब आपके प्लांट में कभी दिखा? कभी नहीं सर। अच्छा अच्छा, हम तो मिली बाग से परेशान हो रहे इधर एमपी में सर, बहुत ज्यादा। अपना जो शेड्यूल था ना वो कंटिन्यू चल रहा था और उसमें कुछ गैप भी नहीं गिरा जी। कितना दिया खाद वगैरह कितना सर अपने को? कृषि अमृत कितना डाला अपन ने पर प्लांट? कृषि अमृत पिछले साल डाले थे सर मैंने 4 किलो। अच्छा, एक पौधे को 4 किलो डाला था, अभी इस साल 6 किलो। अच्छा अच्छा, क्या बात है। अच्छा अच्छा, वैदिक कब से स्टार्ट? जी जी जी, वैदिक वैदिक को कब कब से यूज़ कर रहे हैं आप वैदिक को सर इसमें? वैदिक तो पिछले साल से यूज़ कर रहे हैं सर। अच्छा, क्या फर्क हो गया वैदिक से क्या फर्क हो गया? वैदिक में जैसे अपना पहले जैसे ठीक है कृषि मतलब सेल्चर जो डालते हैं, और वैदिक डालने से क्या फर्क आया इसमें, और चेंजेस क्या दिखा आपको वैदिक की वजह से? वैदिक की वजह से क्या हुआ सर, पौधों की ग्रोथ अच्छी हुई जी, और उसके बाद आपने जी 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 जी। अच्छा अच्छा, पत्ती की केमिकल फर्क लेकिन वो वैदिक तो बहुत सा फर्क दिया। अच्छा, उसमें कलर में फर्क आया क्या डालने से? जैसे अंदर जो पौधे फल के अंदर जो कलर आता है उसका टेस्ट और जो उसका कलर पिंक, उसमें भी फर्क आया उसमें? वही तो क्वालिटी बने सर। अच्छा, चमक भी बने बोलते ना जी जी उसमें। जी जी जी, सेल चार्जर मतलब कितना चलाया आपने? कितना मतलब पर प्लांट के हिसाब से दे दिया होगा? अच्छा अच्छा, कितने बैरल गए पूरे? कितने बैरल? अच्छा, पूरा टोटल कितनी बार डाला आपने सब टोटल? कितना गया? कितना गया आपका टोटल? अच्छा अच्छा, 10 किलो से ऊपर निकल गया पर प्लांट। अच्छा अच्छा, सही बात है सही बात। हाँ, वो तो सही बात है ना। खर्चा कितना किया सर? खर्चा खर्चा आपका कितना क्या आया उसमें करीबन? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये अपना को दवाई खाद स्प्रे का ये बहुत कम खर्चा आया, बैगिंग का खर्चा आया, अपना फॉर्म नेट पॉलीथीन पेपर न्यूज पेपर इनका खर्चा बढ़ा, बाकी उसका कम आया इससे भी। चलो चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चालू है? नहीं चालू है, चालू है, बहुत पुराने प्लांट जी जी, चालू है चालू है। 10 साल बोल दीजिए ना। नहीं 10 साल तो अब देखो सर के संपर्क से तो नया हुआ है, अभी चालू हुआ है। राम सर के संपर्क से अभी नया चालू हुआ है। जी सर, ठीक सर, धन्यवाद धन्यवाद, ओके ओके। और मिलीबग भी नहीं देखी थी, क्या खर्चा करेंगे? आपको पता है उनके बगीचे में मैं अब तक नहीं गया। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बोलना भूल गया, उनके बगीचे में 2 महीना कंटिन्यू पानी रहता है बारिश का, इतना इतना पानी रहता है। धरन कहते हैं ना धरन, हाँ। वो डैम ही है उनके खेत में। अच्छा अच्छा, डूबा रहते हैं उसके बाद में उसने उपज लिया इतना। हमारा मान लो 1 लाख रुपए का अगर कोई बिल बना होगा ना, तो उसमें 80,000 रुपए मिलीबग के पीछे गया है। 20,000 रुपए हमने फंगीसाइड के चक्कर में डाले हैं। मतलब हमने 1,80,000 रुपए तो मिलीबग के लिए ही खर्च किए। 1,80,000 रुपए मिलीबग के लिए, मतलब 1 लाख का अगर खर्चा हुआ है तो 80,000 का खर्चा मिलीबग के पीछे किया है, क्योंकि दवाई मिलीबग के लिए डालना पड़ा ना भाई। मिलीबग है तभी दवाई डाला भाई, अमृत में क्या आ रहा है? कोई इतना फंगस तो ठीक है, हल्का फुल्का कोई एक दो स्प्रे हो गए होंगे।